वो सवेरे आए, अपनी दुकान जैसे ही खोले और उन्होंने अपना बैग रखा था दराज में, फिर उन्होंने ताला लगा लिया और वो कहे कि हम अपना झाड़ू लगा रहे थे, उसी समय स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से तीन लोग आए, एक तो बाहर स्टार्ट किए हुए खड़ा रखा था, दो लोग आए और उन्होंने उससे ज़बरदस्ती चाबी ली, चाबी लेने के बाद दराज खोला, उसका बैग लिया और वो चल दिए। जाते समय उन्होंने फायर किया, इसके बाद इस अवकाश बिंद ने उनका पीछा किया, जब वो पीछा कर रहा था उसके बाद भी उन्होंने फायर किया, लेकिन इसी बीच उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था जो UP 61 AF और 0619 था। इस पर हमने पूरे ज़िले में मैसेज फ्लैश किया, लगातार इसकी चेकिंग हो रही थी, पूरा दिन भी इसकी चेकिंग चली थी। उस समय तो ये छिप गए थे, लेकिन अभी शाम को फिर ये गाड़ी ट्रेस हुई तो इसका फिर पीछा किया गया, और जब पीछा किया गया तो जब ये घिर गए तो इन्होंने फायरिंग की पुलिस पार्टी पर, जिससे जो नंदगंज SO हैं उनके बुलेट प्रूफ में दो गोलियां लगी। बचाव में पुलिस ने फायरिंग किया जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोलियां लगी। इस समय उन्हें तुरंत हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है, और जब यहां पर देखा गया तो ये वही गाड़ी है जिससे लूट हुई थी, उसका बैग भी बरामद है जो आप देख रहे हैं, पैसा भी है उसमें और उसका सारा सामान भी है। दोनों बदमाश का नाम क्या है? इसमें जो बदमाश है, जब उनसे गोली लगी उनसे पूछा गया, एक का नाम राजन पांडे है और दूसरे का नाम किशन जायसवाल है। ये दोनों ग्राम नूरपुर गोहंदा के रहने वाले हैं जो थाना अंतर्गत नक्सर 8 पड़ता है।